सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या रॉथ। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और नया व्लॉग लेके आप लोगों के लिए। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही फेमस मायावती ने जो पार्क बनवा रखा है नोएडा में, वो वाला। ये इंस्टाग्राम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे लोग रील्स बनाने आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपनी टिकट, जो कि 15 रुपीज पर पर्सन है। अंदर एंटर करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा सामने, और दोनों तरफ हाथी बने हुए थे, 10 लेफ्ट की साइड पे और 10 राइट की साइड पे, दोनों तरफ 10-10 हाथियां बने हुए थे। तो ये जो पार्क है ये नोएडा में पड़ता है बोटैनिकल गार्डन के पास, और ये मायावती ने बनवाया था जब उनकी सरकार चल रही थी, तब उन्होंने ये वाला पार्क बनवाया था। और हाथी उनका चुनाव चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे काफी सारे आपको हाथी देखने को मिल जाएंगे। अब हम आ चुके इस जगह की सबसे ट्रेंडिंग जगह पे, जो कि ये है हाथियों का बना ये बहुत ही प्यारा सा फाउंटेन। यहाँ पे पानी चलता है और यहाँ पे काफ़ी सारी रील्स बनाते हैं लोग, जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं कि इतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ है और फोटोज़ और वीडियोज़ यहाँ बनाते ही रहते हैं सब लोग। अब हम आ चुके दूसरी साइड, दूसरी साइड भी सेम फाउंटेन और हाथीज वगैरह बने हुए हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये बच्ची कितना प्यारा डांस कर रही है, हिप हॉप कर रही है ये, और इतना कॉन्फिडेंस कि इतने सारे लोग इसकी वीडियोस बना रहे थे और काफ़ी सारे लोग इसे देख रहे थे, बट इसका कॉन्फिडेंस जरा सा भी नहीं इधर से उधर हुआ। Thank you.
पार्क के बारे में अब ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको सब कुछ बता चुकी हूँ जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा वो भी कमेंट करें।